सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद गुरु के। अज्ज की वीडियो में मैं तुम्हें दसागा जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के जॉब्स जी डी एस दी निकलिया हुई ने किवें उसका फॉर्म फिल करना, तुम्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आए या कितने कोई डाउट हो कमेंट सैक्शन कमेंट्स कर सकते हो, तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। तो पहले तुम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करके इंडिया पोस्ट जी डी एस ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन टाइप कर देना है, उसे सर्च कर देना है। उस तो बाद एक नवी टैब ओपन होगी। अब तुम देख सकते हो कि इन्होंने स्टेटा के वैसे जी डी एस पोस्टा आई हुई ने, तुम देख सकते हो। तुम बाकी जी स्टेट तो बिलोंग करते हो अपना उस स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हो। जिस तरह मैं पंजाब तो बिलोंग करता तो मैं पंजाब फिल करूँगा 17 नंबर से, देख सकते हो पंजाब। जिदा मैं हर क्लिक करूँगा उत्ते फिर अगे नवी टैब ओपन हो जाती है, देख सकते हो पंजाब के इन्होंने जिले के जी डी एस पोस्टा अवेलेबल ने। तुसी थले देख सो सिलेक्ट डिवीजन है कि सिलेक्ट डिवीजन का मतलब है कि तुसी सिलेक्ट करके देख सकते हो कितने कि पोस्ट ऑफिस के जॉब्स या वैकेंसी है। जिदा मैं अमृतसर सिलेक्ट करके करता तुसी देख सकते हो पोस्ट ऑफिस के नाम आ गए। इन्होंने पोस्ट ऑफिस के जी डी एस की या फिर दूसरिया पोस्टा अवेलेबल है, इतने सारी डिटेल दी गई है, तुसी ध्यान चैक कर सकते हो। यह तो मैं तुम्हें दसती सारी डिटेल, हूँ तुम्हें मैं दसूँगा कि फॉर्म किवें फिल करना। तुसी लैफ्ट साइड देख सकते हो कॉलम बने नोटिफिकेशन, ठीक है। दूसरे नंबर से देख सकते हो स्टेज वन रजिस्टर्ड करना। सब तो पहला दसो पहला देख सकते हो कि ये 10 कॉलम है जो ध्यान फिल करने। सब तो पहला अपना मोबाइल नंबर फिल करना, एक नंबर मोबाइल नंबर है। एक गल मेन इंपोर्टेंट दसदा, बड़े ही ध्यान दे नाल तुसी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आई डी भर दियो। राइट साइड से तुसी देख सकते हो वैलीडेट मोबाइल नंबर एंड वैलीडेट ईमेल भी लिखा हो, देख सकते हो कि मोबाइल नंबर मैं भरया, इस बार इन्हें वैलीडेट करेंगे। वैलीडेट का मतलब है कि तुहानू फोन नंबर एक ओ टी पी आएगा, जिहड़ा भी तुहानू ओ टी पी आएगा इत्थे तुसी ओ टी पी फिल कर दे। तुहानू ओ टी पी ना रिसीव होवे तुसी अपना फोन फ्लाइट मोड ते ला के फिर दोबारा ऑन करो, तुहानू ओ टी पी रिसीव हो जाएगा। दोस्तों तुहानू जिहड़ा भी ओ टी पी रिसीव होया उस तुसी इत्थे ओ टी पी भर के इन्हू सबमिट कर दोगे, ठीक है। जिस तरह मैंने ओ टी पी रिसीव मैंने सबमिट करता, इस बाद अपनी ईमेल वैलीडेट करोगे। एक गल होर दसदा, अगर तुहानू मेल ना आवे ईमेल नू तुसी रीफ्रैश कर सकते हो, फिर भी ना तुहानू ओटीपी रिसीव होया तुसी आल मेल दे विच चैक कर सकते हो, जिहड़ा कि लैफ्ट साइड हुंदा है। लैफ्ट साइड दे विच ना एक स्पैम भी हुंदी है, थले स्पैम दे विच भी देख सकते हो। कई बार की हुंदा जिहड़ी मेल हुंदी है ना स्पैम दे विच भी चली जांदी है, इस करके तुहानू ओटीपी रिसीव होण लगे तकरीबन 10 तों 15 मिनट जां 5 मिनट भी लग सकदे, तुसी वेट कर सकते हो, बार बार रीसेंड भी ना। दोस्तों बाकी जिन्ना चिर ओटीपी आना असीं बाकी दा फॉर्म फिल कर दिंदे आ। सब तो पहला तुसी अपना तीजे नंबर ते नाम लिखना कि तुहाडा नाम की है, इहदे विच कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है। अपना नाम फिल करने तो बाद थले फादर नेम लिखना है कि तुहाडे फादर साहब का की नाम है। फादर नेम फिल करने तो बाद थले डेट ऑफ बर्थ मैनशन कर दिए, जेंडर सिलेक्ट कर देना, जेंडर करियो कि मेल फीमेल जो भी है तुसी। फिर तुसी अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है कि तुसी जनरल दे विच आंदे हो एस सी ओ बी सी जिहदे विच भी आंदे तुसी ओह फिल कर देना है। एक गल दसदा एस सी वास्ते कोई फीस नहीं है, जनरल की 100 रुपया फीस। उस तो बाद ऑप्शन आती है कि तुसी सेकेंडरी स्कूल कहड़े साल पास किए, वो तुसी साल फिल कर देना है कि असी इस साल पास की है, जिहड़े भी साल पास किए। फिर एंड दे विच तुसी देख सकते हो कि उत्थे ना तुसी अपना कैप्चा फिल करना है, सामने देख सकते हो कैप्चा नु, कैप्चा फिल करके सबमिट कर। दोस्तों सबमिट करने तो बाद तुसी देख सकते हो फर्स्ट स्टेज जी रजिस्टर्ड है पूरा कंप्लीट हो गया, इन्हू ओके कर देना। और तो बाद शुरू होंगे दूजा स्टैप, तुसी इहदे थले देखोगे दूजा स्टैप नज़र आ जाएगा 10 नंबर तो। दूजा स्टैप भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सब तो पहला तुसी अपना जो आधार नंबर देख सकते हो, आधार नंबर असी फिल करांगे। इत्थे आधार नंबर फिल करने तो बाद तुसी थले देख सकते हो, अगर तुसी पर्सन डिसेबिलिटी हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नहीं करना। पर्सन डिसेबिलिटी का मतलब कि तुसी हैंडीकैप हो, अगर हो तो इहदे विच थले शो करना कि कैटेगरी है तुहाडी, ठीक है, वो तुहानू शो करनी पेगी। तुसी उत्थे नो कर देना, नो फिल करने तो बाद थले तुसी देख सकते हो कि तुसी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी कि लैंग्वेज तुहानू आती है। जिस तरह हिंदी पंजाबी इंग्लिश सानू आती है, असी इह तीन लैंग्वेज सिलेक्ट करांगे। ये तीन लैंग्वेज सिलेक्ट करके तुसी ओके कर देना, देख सकते हो कि मैं पंजाबी भी सिलेक्ट कर ली है, तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर ली, तो हिंदी भी सिलेक्ट करके मैं हूँ इसनों ओके कर देवगा। उस तो बाद वो पूछेगा कि तुसी एम्पलॉई हो, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, मैं जिस तरह नो फिल करांगा। सब तो वड्डी जिहड़ी दिक्कत तुहानू आवेगी वो आवेगी फोटो अपलोड करन लगे जां सिग्नेचर अपलोड करन लगे। दोस्तों तुसी अपनी कोई भी फोटो 200 डी पी आई से स्कैन करके सेव कर लेनी है। फोटो सेव करने तो बाद तुसी इसनों पेंट विच ओपन करके सिलेक्ट आल कर लेना। तुसी देख सकते कि इन्हू मैं हूँ क्रॉप करांगा, क्रॉप करने का तुम रीसाइज करोगे। एक बार तुम मैं साइज दसदा फोटो का, की तुम देख 200x230 है। मैं दोबारा वापस पेंट चाहवागा तो इतने पिक्सल मेनटेन तो हटा के 200x230 कर देवगा, तो इन ओके कर देवगा, मेरा साइज
साइज बिल्कुल मेनटेन हो गया, फिर इसनों मैं सेव कर देवगा। उसी स्टैप के नाल ही असं फिर सिग्नेचर पेंट के ओपन कर लेंगे, पेंट के ओपन करके रीसाइज कर देंगे, पिक्सल मेनटेन चो फिर टिक हटा देंगे। यद भी मैं तुम्हें साइज एक बार दस देना कि साइज 140x160। दोबारा वापिस पेंट के आन के फिर मैं उही साइज करूँगा, पिक्सल 140x60 कर दाँगा, इनते उन्हें ओके कर दूंगा। मेरा सिग्नेचर का साइज भी बिल्कुल ओके हो गया। हूँ इसको मैं सेव कर दाँगा। एक बार मैं तुम्हें यह साइज चेक करवाना, देख सकते हो प्रोपर्टीज से जाके यहाँ साइज देखो 16KB बिल्कुल ओके साइज हो गया। इसी तरह सिग्नेचर का साइज भी चेक करना, देख सकते हो बिल्कुल ओके साइज हो गया। हूँ जो असी पिक्चर अपलोड सिग्नेचर का साइज किया, हूँ असं अपलोड करेंगे, चूज फाइल से जाके फोटो सिलेक्ट करके ओपन करा। देख सकते हो तुम मेरी फोटो सक्सैसफुल अपलोड हो गई। इसी तरह सिग्नेचर भी अपलोड कर दाँगा मैं, तुम देख सकते हो दोनों चीज़ा अपलोड होने मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट कर दोस्तों इस स्टेप में ध्यान रीड करने के बाद वो थले गोला जहा देख रहे हो इतने टिक करने बाद इन सबमिट कर देना है। सबमिट करा यह साडा मतलब सक्सैसफुल सबमिट मतलब कि जो फॉर्म है फिल हो गया। हूँ इस बारे की दूजी स्टेज, फर्स्ट स्टेज साड़ी कंप्लीट हो गई है। हूँ तुम इतने कंटिन्यू टू अपलाई भी कर सकते हो। जिस तरह ही मैं कंटिन्यू अपलाई करूँगा फिर एक नवी टैब ओपन हो जाएगी, तुम देख सकते हो यह जो है ना रजिस्टर्ड नंबर ए सब तो ज़्यादा मेन हूँ, देख सकते हो तुम है ना। तुम देख सकते हो कि एक स्टेज साड़ी कंप्लीट हो गई है, उस तो ठीक है देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फिर आ जाएगी चूज परफॉर्मेंस आ जाएगी, फिर प्रिंट एप्लीकेशन, बस यही चार स्टैप फॉर्म पर आते। थले देख सकते हो रजिस्टर नंबर साडा थले फिल है। हूँ असं सर्कल अपलाई कर देंगे, असं पंजाब के फिल किया, पंजाब सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। जिदा ही इन सबमिट करा अगे फिर ओटीपी। एक और गल दसदा एना हर वाली भी जो भी ओपन करोगे कोई पासवर्ड नहीं होता कोई कुछ नहीं, हर वाली ओटीपी के जरिए ही ओपन होगा। दोस्तों इस फॉरम की हूँ अपनी लास्ट ही स्टेज है। हूँ तुम्हें ना इतने अपना एड्रैस फिल करना, लैफ्ट साइड के जो जो भी एड्रैस है सारा तुम इतने एड्रैस फिल कर देना है। राइट साइड देख सकते हो परमानेंट सेम एड्रैस इतने इतने क्लिक करना, ऑटोमैटिक सारा का सारा एड्रैस आ जाएगा। जो तुम कि बोर्ड तो दसवीं पास की वो तुम फिल करना है, कि साल की है। इस तरह मैं पंजाब तो पास की है, मैं इतों पंजाब फिल कर दाँगा। कि तुम देख सकते हो थले सिलेक्ट रिजल्ट टाइप करना कि तेरे रिजल्ट किमें, मतलब कि नंबर है जो CGPSC ग्रेड जो भी है तुम सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड कर देना। इस तो बाद अपने नंबर फिल कर देने कि तेरे इंग्लिश पंजाबी मैथ साइंस के किन्ने नंबर है, तुम सारे फिल कर देने, बड़े ही ध्यान दे नाल इसनू फिल करना है। जिदा अडिशनल सबजैक्ट जे कि ग्रेड है उत्थे तुसी ग्रेड भी भर देना, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड है, जिहड़ा भी तुहाडा ग्रेड है वह तुसी अपना ग्रेड फिल अप कर देना है। सारा कुछ फिलअप करने बाद तुम इस सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जिस तरह ही तुम सेव एंड कंटिन्यू करोगे अब तुम देख सकते हो नवी टैब आ गई है। दोस्तों इस टैब के ना तो जिमें कि डिवीजन अमृतसर सिलेक्ट करके ना जिस तरह जी भी सर्कल के भरया डिवीजन चुप रहा उन्होंने सिलेक्ट कर लेना है। ये डिटेल आ जाएगी कि अमृतसर डिवीजन के ना मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जॉब कर लिया। असी केवल प्रेफरेंस देनी है कि सू फस्ट साडा नंबर ए रखो दूजा ए रखो। जिस तरह मैं ये एक नंबर फिल कर दाँगा, थले दो नंबर फिल कर दाँगा, टोटल 10 नंबर है तुसी इन्हों सेम एडिटिंग एज ही फिल कर सकते हो, जिहड़ा भी तुहानू चंगा लगता हो। बाकी जो ज्यादा डिटेल है तुसी लैफ्ट साइड देख सकते हो, क्लिक है डाउनलोड, ये सारी डिटेल दी हुई है कि अमृतसर या लुधियाना जलंधर कि जिले के पोस्ट ऑफिस जॉब खाली है। दोस्तों सारा कुछ चैक करने तो बाद खब्बे पासे देख सकते हो, इतने टिक करने तो बाद इनू सेव एंड प्रोसीड कर देना। जिवें ही तुसी करोगे समझो तुहाडा फॉर्म फिलअप हो गया, ता फाइनल स्टैप से यह तुम देख सकते हो सारा का सारा फॉर्म भरया गया। अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो थले कमेंट सैक्शन कमेंट्स कर सकता है, असं उसकी पूरी हेल्प करा। अगर किसी बच्चे ने साडे जरिए भी फॉर्म भराना हो सू व्हाट्सएप या मेल दे रही अपने डॉक्यूमेंट भेज सकता है तो असं उसके फॉर्म फिलअप कर देंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो मैं इतने ही खत्म करता, अगर किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो सू नीचे कमेंट सैक्शन कमेंट कर सकता है जी। अगर तुम्हें वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो में लाइक एंड चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, फिर एक तो नवी वीडियो बहुत जल्दी तुम्हें दोबारा मिल